नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा आज आपके लिए एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लेके आया हूँ। एक्चुअली हम पिछली कुछ वीडियो से ट्रीटेड वाटर के प्लांट के बारे में और ट्रीटेड वाटर के फिल्टर्स के बारे में बात करते चले आए हैं, तो मैं आपको पहले 2-3 फिल्टर बता चुका हूँ, जैसे MGF, DMF और प्रेशर सैंड फिल्टर। आज मैं ACF के बारे में कुछ बताऊँगा। उसको बताने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक, ACF जो होता है वो TSS के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें कम करता है या रिमूव करता है। ये खाली TSS के लिए नहीं लगाया जाता है, जहाँ TSS की रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम ACF जल्दी नहीं लगाते हैं, ठीक है। और अकेला ACF कभी भी नहीं लगाया जाता है, ACF हमेशा DMF के साथ या MGF के साथ या प्रेशर सैंड फिल्टर के साथ लगाया हुआ होता है। यानी 2 फिल्टर होते हैं ACF, प्रेशर सैंड फिल्टर के बाद, DMF फिल्टर के बाद, उनके बाद में लगाया हुआ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ACF है ये 2 प्रकार के होते हैं। मैंने वहाँ, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है टाइप 1। तो पहले मैं आपको टाइप 1 के बारे में बताता हूँ। जो हमारा जिसका जो नॉर्मली जैसा हमारे MGF DMF होते हैं उसी के आकार का होता है, उसी के अनुसार होता है। दूसरा इससे अलग होता है जो आजकल लेटेस्ट चला हुआ है, जिसमें मीडिया बेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो इससे अच्छा है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरा बता दूंगा। आइए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसके बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने लिखा हुआ ACF मतलब एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, मैंने यहाँ लिखा हुआ टाइप 1, यानी ये 2 टाइप्स का होता है और मैं आपको पहले बता रहा हूँ पहला टाइप। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन इसका है मैंने बनाया हुआ है, ये आउटर जो बॉडी है या जो भी कुछ ये फिल्टर का ये है, ये मैं पीछे MGF में भी और ड्यूअल मीडिया फिल्टर्स में भी बता चुका हूँ इसके बारे में डीपली से। अगर मैं कुछ इसमें छोड़ जाऊँ तो आप उसके बारे में वहाँ मेरी दूसरी वीडियो को देख कर भी जान सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इसको बताने से पहले एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी वीडियो या कुछ भी चीज़ हम एक बार देखकर या एक बार पढ़कर नहीं जान सकते, नहीं सीख सकते, क्योंकि हम एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इसलिए एक वीडियो को बार 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 देखिए। अगर आप बार बार देखेंगे तो उसको हम उसके बारे में आप सारी चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी और आपको उसके बारे में पता चल जाएगा अच्छे से। और जब कभी आप उसको विजुअली या प्रैक्टिकली देखने का मौका मिलेगा तो आप उसको आराम से कह सकते हो कि ये ऐसे ऐसे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को बार बार देखा कीजिए, जिससे आपको सही से उसके बारे में पता चल जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए, ये आउटर कंस्ट्रक्शन है इसका, जो हमारा वेसल बना हुआ है इसको कह सकते हो, ये MSRL का बना हुआ होता है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। ये इसका ओपनिंग है जहाँ से हम इसमें मीडिया डालते हैं। ये इसका इनलेट है जहाँ से हम पानी देते हैं। पानी फ्रेंड्स इसमें भी उसी की तरह MGF और DMF की तरह ही ऊपर से आता है, क्योंकि डायरेक्ट नीचे से नहीं देते हैं हम पानी, हमेशा ऊपर से ही ऐसे निकल के आता है और बॉडी से टकरा करके स्प्रेड होकर आता है नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें इतना डिफरेंस होता है, आप देखिए ये आउटलेट है इसका, ये इनलेट है, ये इसके लेग्स हैं और यहाँ पर ये हमारी जो है ये हमारी स्ट्रेनर प्लेट है। क्या है? स्ट्रेनर प्लेट। और इसके ऊपर हमने बेड बनाया हुआ है। सबसे पहले 150 mm का बेड है पेबल्स का, 1.5 इंच 1 इंच साइज में। फिर ग्रेवल्स का है 100 से 150 mm का बेड, 1/2 इंच की साइज है ग्रेवल्स का। उसके ऊपर 400 से 700 mm का एंथ्रासाइट बेड। ये एंथ्रासाइट कैसा होता है मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। ये जो एंथ्रासाइट होता है ये 400 से 700 mm यहाँ भरा होता है। अच्छा फ्रेंड, ये होता क्या है? एक तो कोल मींस जो पेट्रोलियम यानी जो खदानों से निकल के आता है वो। दूसरा कोकोनट सेल लिखा हुआ है मैंने कोकोनट सेल मतलब जो हमारा जिससे गोला निकलता है उसका जो सेल रहता है ऊपर वाला, उसको कोकोनट सेल बोलते हैं। उसको जलाने के बाद यानी अध जला करने के बाद उसका जो बनता है वो, उन दोनों को पीस करके मिश्रित करके भर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन, एंथ्रासाइट या कोल। क्लियर है प्रोसेस इसका? अगर आप पूछें कि कौन से प्रोसेस से साफ होता है तो ये होता है एब्सॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्सॉर्प्शन मतलब शोषित करना या अपने अंदर ग्रहण करना। जैसे ही पानी इसमें आता है तो पानी इसमें आने के बाद कार्बन क्या करता है,
जो फ्री क्लोरीन होती है, दैट मीन्स जो क्लोरीन हमारी काम नहीं आई होती है। हम क्लोरीन कहाँ से आती है, जब हम कोई प्री ट्रीट करते हैं या पानी को लाते हैं तो उसमें क्लोरीन ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा उसमें क्लोरीन ऐड करने से जो बैक्टीरिया है या जो वो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उस फ्री क्लोरीन जो बचती है पानी में, वो ये कार्बन जो है अपने अंदर शोषित कर लेता है या यहाँ वो ख़त्म हो जाती है। क्लोरीन के साथ साथ मैंने क्लोरीन ये लिखी हुई, दूसरा कलर और ऑडोर। कलर मीन्स रंग, रंग मीन्स जब हमारा, आपने देखा होगा एसटीपी से जब हम वाटर फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के बाद वो पानी येलोइश रह जाता है हल्का सा। तो जब लाइट येलोइश रह जाता है यानी उसमें कोई कलर होता है ब्लूइश या येलोइश, तो उसको हम कार्बन फिल्टर से निकालते हैं, एसीएफ से निकालते हैं, तो वो कलर इसमें अवशोषित हो जाता है और वो कलर हमारा रिमूव हो जाता है। दूसरा लिखा ओडोर। ओडोर मीन्स स्मेल या गंध। पानी में गंध रह जाती है, अगर किसी प्रकार की गंध है तो वो एसीएफ से दूर हो जाती है। चौथी चीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो इसमें दूर हो जाता है। दैट मीन्स क्या है, इसमें रिमूवल आइटम्स चार हैं, ओडोर, कलर्स, क्लोरीन और ऑर्गेनिक, इन चारों को दूर करने के लिए काम करता है। इनके साथ साथ TSS में भी इफेक्ट आता है, TSS भी कम होता है। ठीक है, किस प्रोसेस पे काम करता है, एब्जॉर्प्शन से, एब्जॉर्प्शन यानी शोषण करने के या सोख लेने के। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब मैं आपको सेकेंड टाइप के बारे में बताता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको सेकेंड टाइप बताता हूँ। वो जो विसल्स होता है और जो वो जो मीडिया या फिल्टर कह सकते हैं, वो इससे भी अच्छा होता है, ऐसा मैं बता रहा था। ये देखिए, ये है टाइप टू। टाइप टू में भी मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है या ये कंस्ट्रक्शन बनाई हुई है, एक देखिए ये बनाया हुआ है मैंने इसको। इसमें क्या डिज़ाइन रहता है फ्रेंड्स, ये एक बड़ा सा जाली रहता है या आप कह सकते हो सबसे पहले ये पाइप रहता है और ये पाइप नीचे एक पाइप में कनेक्ट रहता है इस प्रकार के। इसमें छोटे 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 बहुत सारे छिद्र रहते हैं जिससे पानी अंदर आता है। इन छिद्रों के द्वारा ही फिल्टर पानी अंदर आता है, ठीक है, इनसे ही अंदर आता है पानी ऐसे। और ये पानी अंदर जाने के बाद ये इससे नली से बाहर निकल जाता है। इनलेट आने के लिए ये जो पॉट लगा हुआ है या बड़ा साइज का पाइप लगा हुआ है, ये एक जाली है जो जिंक एलॉय जाली रहती है। ये पाइप भी जिंक एलॉय का ही रहता है। जिंक एलॉय क्या है, कार्बन में जल्दी से गलती नहीं है या ख़राब नहीं होती है। अदरवाइज़ हम कोई भी MS या कुछ लगाएंगे तो वो कार्बन में आने के संपर्क में आने से बाद जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए क्या होती है, जिंक एलॉय की जाली रहती है। तो जब पानी हमारा यहाँ से इनलेट आता है तो पानी क्या है, यहाँ से निकलता है इस छिद्र से, और यहाँ से पानी निकलता है तो पानी पूरे ये जो हमारा क्या है, ये मीडिया है या ये एंथ्रासाइट है। क्या है फ्रेंड, ये एंथ्रासाइट है या कोयला है, ये जो चारों तरफ कोयला भरा हुआ है, इस कोयले से होता हुआ नीचे बेस में आता है। बेस में जो ये छिद्र वाला पाइप लगा हुआ है इसके अंदर जाता है, यहाँ से निकल के यहाँ जाता है। तो ये प्रोसेस भी आजकल चला हुआ है इस फिल्टर का। ये नॉर्मली छोटे फिल्टर मिलते हैं, ज़्यादा बड़े फिल्टर में ये नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हाँ काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा फिल्टर भी ये मिल जाएगा। इसमें क्या है, बेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्टिंग बेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेबल्स मीडिया की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कोयला भरा जाता है और इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है और इस अरेंजमेंट में पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं उसके साथ साथ और बता दूँ, जो दूसरे फिल्टर्स थे वो क्या थे, मैंने आपको बताया था फ्लो के टाइप से दो प्रकार के फिल्टर्स होते हैं, अप फिल्टर्स और डाउन फिल्टर्स। फ्रेंड्स ये अप फिल्टर्स के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, ट्रीटेड वाटर नीचे आता है और अप फिल्टर्स यानी ट्रीटेड वाटर जो है ऊपर से निकलता है, अनट्रीटेड वाटर ऊपर से आता है और ट्रीटेड वाटर वापस जाके ऊपर निकल जाता है। ये थे ACF के दो टाइप और ये मेरा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हो गया। मैं इस फिल्ट्रेशन पे एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं सारा स्पेसिफिकेशंस दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलिए। वो मेरा छोटा सा वीडियो बनाऊंगा क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें जानना चाहिए किसी फिल्टर के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।